सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फाइनली गाइस, यहाँ पे इंडिया सर्वर के लिए भी यहाँ पे गोल्ड रॉयल कॉन्फर्म हो गया है। अभी कौन से डेट को ये गोल्ड रॉयल आने वाला है इसका डेट मैं कॉन्फर्म करके बताऊंगा, साथ में रिवॉर्ड भी रिव्यू करके दिखाऊंगा। ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्फर्म इवेंट आने वाले गाइस इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए, उनका सारा रिव्यू मैं आप लोग को आज के वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सो अगर आप लोग चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग यहाँ पे नया सा बैनर देख पा रहे हो, रमादान गोल्ड जो आने वाले 8 अप्रैल को एंड रहेगा 14 अप्रैल के तक। तो ये जो बना रहेगा सिर्फ इंडिया सर्वर के लिए बनाया गया है। तो जी हां गाइस, आप लोग यहां पे जितने सारे आइटम्स एंड रिवॉर्ड देख पा रहे हो, सेम टू सेम ही गोल्ड रॉयल आने वाले इंडिया सर्वर के लिए। बांग्लादेश एंड सिंगापुर सर्वर के लिए तो ऑलरेडी गोल्ड रॉयल आ गया था 3 तारीख को ही। तो यहाँ पे इंडिया सर्वर के लिए जो गोल्ड रॉयल आने वाला है, यहाँ पे भाई कॉन्फर्म रिवॉर्ड रहने वाला है फीमेल का बंडल, जो आप लोग को ऑलरेडी इवेंट के अंदर से ही मिल रहा है। तो भाई यार, रिपीटेड देने की क्या मतलब होता है। अगर आप लोगों ने इवेंट का मिशन कम्प्लीट करके नहीं ले पाए तो आप लोग यहाँ पे गोल्ड से स्पिन करके इस बंडल को निकाल सकते हो, जो इस गोल्ड रॉयल पे आने वाला है। इसी के साथ में गाइस यहाँ पे कुछ और भी रॉयल आएगा, जैसे कि ये जो लूट बॉक्स है इसको यहाँ पे रखा गया है। इस लूट बॉक्स के साथ गाइस आप लोग को यहाँ पे ग्रेनेड स्किन मिलेगा, जो ब्लास्ट होते ही कुछ स्टेप का एनिमेशन आता है, बहुत ही कमाल का है। एंड यहाँ पे भी आप लोग को पैराशूट का भी स्किन मिलेगा, जो देखने में कुछ स्टेप का है। एंड पेन का भी स्किन मिलेगा। तो कुल मिलाकर रमादान का जो इंटरफेस इवेंट आया है, उसमें जो सब हम लोग को रिवॉर्ड फ्री में मिल रहा है वही सब यहाँ पे दिया गया, बस एक लूट बॉक्स और ग्रेनेड को छोड़ के। तो भाई ये जो गोल्ड रॉयल है आने वाले 8 तारीख को, तो क्या आप लोग यहाँ पे स्पिन करोगे? और बाकी तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे स्पिन करोगे तो आप लोगों को कितने सारे गोल्ड लग सकता है। जो आइटम हम लोग को चाहिए वो तो भाई मिलता ही नहीं। तो 8 तारीख के वाला इवेंट आने वाला है, अगर आप लोग गोल्ड से कुछ निकालना चाहते हो तो यहाँ पे स्पिन कर सकते हो। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा कि भाई यहाँ पे स्पिन करने से अच्छा है कि ना करो, बेकार में गोल्ड का वेस्ट होने वाला है। और अभी बढ़ते हैं सवाल अगले अपडेट की तरफ। तो भाई लोग, यहाँ पे रमादान स्पेशल जो इवेंट चल रहा है, यहाँ पे एक लॉग इन पीक डे रिवॉर्ड रहने वाला है। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे कुछ दिनों के बाद एक लॉग इन पीक डे रिवॉर्ड आएगा, जहाँ पे आप लोग को कुछ मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट मिल सकता है। और यहाँ पे मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट सिर्फ बांग्लादेश सर्वर के लिए मिल सकता है, इंडिया सर्वर के लिए नहीं मिलेगा। कुछ और रिवॉर्ड दिया जाएगा इंडिया सर्वर के लिए। तो बहुत ही कमाल का एक पीक डे रिवॉर्ड रखा जाएगा एंड इसका पीक डे कुछ दिनों में आ जाएगा। लेकिन एक पूरा मैजिक क्यूब को क्लेम करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम लोग को और भी मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट की जरूरत है। तो इसकी रीडिंग आप लोग को फ्री मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट के यहाँ पे एक मिशन मिल सकता है बांग्लादेश सर्वर के लिए, जहाँ पे आप लोग ये फ्रैगमेंट कलेक्ट करना होगा। और ये बात क्लियर करके सुन लो गाइस, इंडिया सर्वर के लिए मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट या मैजिक क्यूब की रीडिंग कोई भी इवेंट अभी नहीं आने वाले। आप लोग को दिवाली के टाइम यहाँ पे ये सब मिशन देखने को मिलेगा। तो दिवाली कब है वो तो आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पे फ्री मैजिक क्यूब के रिगार्डिंग गाइस ये इवेंट आने वाले बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए। अभी आप लोग कमेंट करके बताना आपके पास कितने सारे मैजिक क्यूब या मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट है, जरूर बताना। और गाइस, नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट होने वाले 17 अप्रैल को, लेकिन उसके पहले कौन कौन सा बंडल यहाँ पे एड होगा उसका अपडेट मैं आप लोग को 10 अप्रैल को ही दे दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन इसके आप लोग को पता है, यहाँ पे रमादान स्पेशल M887 का एक स्किन का इवेंट आने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे नया सा बैनर देख पा रहे हो, तो जी हाँ भाई, M887 के रिगार्डिंग फाइनली यहाँ पे बैनर ऐड हो गया है। सो आप लोग को सेम टू सेम ही M887 के रिगार्डिंग एक रिंग इवेंट इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए देखने को मिलेगा, जिसका डेट रहने वाले 8 अप्रैल। तो जी हाँ भाई, 8 अप्रैल को ये नया सा रिंग इवेंट आने वाला है। कल के वीडियो पे मैंने आप लोग को कन्फर्म करके बता दिया था कि ये सब स्किन 8 तारीख को आने वाला है। फाइनली बैनर आज ऐड हो गया है, तो आप लोग भी देख पा रहे हो यहाँ पे ये सब स्किन का इवेंट आने वाला है। लेकिन भाई, मजे की बात यहाँ पे यही होगा कि टोकन एक्सचेंज में कुछ स्किन नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग गाइस यहाँ पे कोई भी स्किन निकालना चाहे तो कम से कम 3 से लेकर 4 हजार डायमंड लगने वाला है इस इवेंट के लिए, एंड 8 तारीख को आने वाला है, तो तैयार रहना। और गाइस, रमादान इवेंट स्पेशल ऐसे और भी खूफिया सीक्रेट इवेंट पेंडिंग पे है, तो उनके बारे में मैं आप लोग को बहुत जल्दी रिवील करके बता दूंगा, क्योंकि रमादान इवेंट अभी भी भाई बहुत दिन चलेगा, 10 दिन तक टाइम बाकी है। अभी तो वो सबका मैं कोई भी रिवील नहीं कर सकता, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर भाई मैं आप लोग को रिवील कर दूंगा। इवेंट आने के 1-2 दिन पहले मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा। और अभी गाइस, मैं आप लोग को और एक खूफिया अपडेट बता के रखता हूँ, जो इंडिया सर्वर के लिए आने वाला है रमादान स्पेशल। तो गाइस, आप लोग को यहाँ पे जो रमादान स्पेशल ग्लिस्टेनिंग सनशाइन बंडल देख पा रहे हो, बाकी के सर्वे तो इसको फ्री में दिया गया है, लेकिन गाइस इंडिया सर्वर के लिए वाला बंडल पेड आने वाला है। मतलब आप लोग को डायमंड स्पिन करके निकलना होगा, एंड आप लोग को इस टाइप के फेडरेटविल इवेंट के अंदर गाइस ये वाला बंडल मिलने वाला है। और इस इवेंट का डेट रहने वाला है 14 अप्रैल। तो जी गाइस, रमादान स्पेशल 14 अप्रैल को ये वाला फेडरेटविल इवेंट आ सकता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे एक बात नोटिस करके देखना, रमादान स्पेशल इस पर जितने सारे आइटम आए हैं, सभी के सभी आइटम यहाँ पे हम लोग को पेड देखने को मिला इंडिया सर्वर के लिए, कोई भी आइटम हम लोग को फ्री में नहीं मिला। और भाई, देखते देखते गाइस यहाँ पे रमादान इवेंट 14 अप्रैल को ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद 17 अप्रैल को यहाँ पे OB44 नया पैच अपडेट आएगा, उसके बाद नया इवेंट वगैरह भी आ जाएगा। एंड उसके लिए भाई आप लोग तैयार रहना, बहुत ही धमाकेदार इवेंट आने वाला है अपडेट के बाद। लेकिन गाइस, अभी मैं आप लोग का मोस्ट डिमांडिंग एंड फेवरेट आइटम का रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, जिसका इवेंट कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो जी हाँ गाइस, होने वाले पर्पल शेड बंडल के रिगार्डिंग कॉपी हेयर स्टाइल को लेकर। तो जी हाँ गाइस, आज के दिन से यहाँ पे पर्पल शेड के रिगार्डिंग ये बंडल का इवेंट स्टार्ट
हो गया है, मतलब उसका हेयर स्टाइल का। यहाँ पे इस हेयर स्टाइल को रखा गया है बॉक्स के अंदर, जो आप लोग देख पा रहे हो। क्रेट ओपन करेगा तो इनको मिल जाएगा। एंड भाई यहाँ पे एक सस्पेंस बना हुआ है, जो आप लोग देख पा रहे हो, पर्पल शेड का ओरिजिनल हेयर स्टाइल। इस क्रेट के अंदर भाई कॉपी हेयर स्टाइल के साथ ओरिजिनल वाला भी रखा गया है, मतलब क्रेट ओपन करेंगे तो उन लोग यहाँ पे दोनों ही मिलने का मौका मिलेगा। साथ में कैसे यहाँ पे कुछ अदर्स हेयर स्टाइल भी रखा गया, जो भाई बहुत ही अजीब टाइप का है। लेकिन कैसे यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, इन सब क्रेट के अंदर यहाँ पे टाइमिंग का भी हेयर स्टाइल रखा गया है, मतलब कच्चा रिवॉर्ड मिलने का भी मौका मिलेगा उन लोग को। तो ये जो इवेंट है गाइस आज से शुरू हो गया बाहर के सर्वर पे, तो आने वाले एक हफ्ते के बाद गाइस यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर पे इनके रेडिंग कोई ना कोई एक इवेंट जरूर आएगा। अभी देखते हैं कब तक आता है, फिर मैं आप लोग को अपडेट जरूर बताऊंगा। लेकिन एक चीज अभी आप लोग कमेंट करोगे, मुझे लगता है कि पर्पल शेड बंडल का इवेंट का रिटर्न आएगा, अगर आएगा तो कब आएगा। तो देखो भाई अभी तो बस यहाँ पे हेयर स्टाइल ही रिटर्न आने वाला है, बट यहाँ पे पूरा का पूरा बंडल आएगा कि नहीं आएगा इसका तो कंफर्मेशन नहीं मिला। और गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे टाइटन स्कर को रिटर्न किया जा रहा है कुछ ही दिनों के अंदर, एंड ये तो आप लोगों को पता होगा इनका हाइप बहुत पहले बना था। ठीक इसी तरीके से पर्पल शेड का भी हाइप बहुत पहले बन गया था, तो पॉसिबल कि पर्पल शेड बंडल के रिगार्डिंग भी यहाँ पे रिटर्न इवेंट जरूर देखने को मिलेगा। अभी तो बस आप लोग कॉन्फर्मेशन अपडेट या लीक का इंतजार करो, फिर गाइस मैं आप लोग को बता दूंगा कौन से डेट को आएगा और क्या क्या आएगा। क्योंकि आप लोग एक चीज को नोटिस करके देखना, ऑडियंस के अंदर जो चीज को लेकर बहुत ज्यादा हाइप या डिमांड है उसको जरूर लाया जाता है, लेकिन थोड़ा लेट आता है। ठीक इसी तरीके से ये सब भी जरूर लेट आएगा। तो अगर आप लोग पर्पल शेड बंडल के रिगार्डिंग कुछ भी निकालना चाहते हो, आप लोग को लॉन्ग टाइम तक वेट करना होगा, क्योंकि इसके रेटिंग लीक मिलते ही मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। अभी कब आएगा ये बताना तो मुश्किल है, बट आएगा जरूर। और गाइस आप लोग को पता है इस पर आप लोग को और एक मेल बंडल फ्री में मिलने वाला है, जो इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए आने वाले। अगर नहीं पता तो चलो मैं आप लोग को उस मेल बंडल का रिव्यू करके दिखाता हूँ। तो जी हां गाइस यहां पे बहुत जल्दी इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए एक नया इवेंट आएगा, जिसका नाम होगा वाटर फेस्ट इवेंट। एंड उस इवेंट के अंदर गाइस आप लोग के डीप एक्वा बंडल एकदम से फ्री में दिया जाएगा। यहाँ पे जो बंडल का गेटअप और लुक देख पा रहे हो बहुत ही कमाल का है, एंड डीप एक्वा थीम पे गाइस आप लोग के वाला बंडल फ्री में मिलने वाला है, तो बहुत ही कमाल का बंडल है भाई, तो इसको मिस मत करना। और पॉसिबल है कि आप लोग को OB44 अपडेट के बाद यहाँ पे वाटर फेस्ट इवेंट देखने को मिलेगा, जो भाई समर स्पेशल आने वाला है, उसमें गाइस आप लोग के वाला बंडल फ्री में क्लेम करने के लिए मिल जाएगा। तो तैयार है ना इसको फ्री में क्लेम करने के लिए। लेकिन गाइस अपडेट के बाद कौन कौन सा बंडल आप लोग को और भी फ्री मिलेगा, कौन सा आइटम मिलेगा, ये तो भाई अपडेट के बाद ही बता सकते हैं, मतलब 17 अप्रैल के बाद ही मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो उसके लिए भी आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा। और अभी बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे ऑडियंस डिमांड में 3 आइटम को रिटर्न किया जा सकता है। यहाँ पे एक बैनर देख पा रहे हो, इनमें से कोई एक आइटम यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर पे रिटर्न जरूर आएगा। तो जी गाइस यहाँ पे OB44 अपडेट के बाद यहाँ पे एक रिंग इवेंट आएगा, जिसमें से गाइस आप लोग ये पंपकिन एक्जिमेट का स्किन रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अभी लीक के अकॉर्डिंग तो भाई इतना ही पता चल रहा कि कोई एक आइटम आएगा। और गाइस ये सब जो स्किन है बहुत ही पुराना है, एंड अभी तक गाइस गेम पे ये सब आइटम रिटर्न नहीं आया। एंड ये सब स्किन गाइस आप लोगों में से किसी के पास है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। तो आने वाले अपडेट के बाद इनमें से कोई एक स्किन आप लोग रिटर्न देखने को मिलेगा। और गाइस अगर ये वाला एक्जिमेट का स्किन रिटर्न पे नहीं आता है, तो गाइस आप लोग को यहाँ पे UMP के रिगार्डिंग भी एक लकड़ा इवेंट देखने को मिलेगा। तो जी हाँ भाई, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया 3 आइटम में से कोई एक आइटम का यहाँ पे इवेंट आएगा। पहला तो एक्जिमेट का बता दिया, दूसरा यहाँ पे UMP का। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा तो बहुत ही कमाल का होगा। आप लोग को कौन सा अच्छा लगता है जरूर बताना। तो अभी गाइस मैंने आप लोग को 2 आइटम का रिव्यू करके तो दिखा दिया, अभी तीसरा कौन सा आइटम होने वाला है चले मैं आप लोग को उसका भी रिव्यू दिखा देता हूँ। तो गाइस ये होने वाले गोल्डन क्लाउड बंडल्स के रिगार्डिंग अपडेट। तो जी हाँ भाई, इनकी रिगार्डिंग भी यहाँ पे रिटर्न इवेंट आ सकता है। तो अभी तक मैंने आप लोग जो 3 इनक्यूबेटर का आइटम दिखाया, इनमें से एक इनक्यूबेटर का आइटम रिटर्न आने वाला है। तो गाइस OB44 अपडेट के बाद इन 3 इनक्यूबेटर में से कोई एक इनक्यूबेटर का आइटम रिटर्न आने वाला है। अभी आप लोगों को कौन सा सबसे फेवरेट है या कौन सा पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। OB44 अपडेट के बाद गाइस इनके रियरिंग एक इवेंट जरूर आ जाएगा, तो तैयार रहना उन सब इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और गाइस मैंने अभी तक आप लोगों को बहुत सारे इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में बता दिया। अभी बढ़ते हैं हमारा आज का वीडियो की टुनाइट अपडेट की तरफ। तो गाइस आज रात 4 बजे के बाद इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए यहाँ पे एक नया सा लकड़ेल का बैनर आप लोग के देखने के मिल जाएगा। तो जी हां गाइस, आज रात 4 बजे के बाद यहाँ पे गिल स्टिनिंग रॉयल नाम का एक नया सा रॉयल इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे भाई ह्यूज फेस नाम का ये इमोट रहेगा। एंड यहाँ पे कैमल बंडल को भी रखा जाएगा, जो बहुत ही कमल का है। साथ में गाइस आप लोग को यहाँ पे कटाना का स्किन और यहाँ पे एक मास्क भी मिलेगा। तो आज रात 4 बजे के बाद इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए नया सा लकड़ेल इवेंट आने वाला है। तो कौन कौन स्पिन करोगे जरूर बताना। तो कुल मिला के गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस अगर आप लोग गेम पे बहुत ही सस्ते में वीकली मंथली आपके आईडी पे परचेस करना चाहते हो, तो गाइस आप लोग SGGameShop और MyGameCard.com से परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे SGGameShop इंडिया सर्वर के लिए है और MyGameCard.com यहाँ पे नेपाल सर्वर के लिए बनाया गया है। तो दोनों ही SGGameShop का हिस्सा है, तो अगर आप लोग यहाँ से कुछ परचेस करना चाहते हो तो कर लेना। दोनों ही भाई यहाँ पे 100% रियल एंड सेफ एप्लीकेशन है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को इन दोनों वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से जरूर परचेस कर लेना, आप लोग को सस्ते पे मिल जाएगा। तो वीडियो कॉल नंबर ना करके सिर्फ खत्म करते,
तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।